साथियों, बुंदेलखंड ने मां भारती के गौरवगान की एक मजबूत परंपरा स्थापित की है। आज भी यहां के अनेक सपूत मां भारती की रक्षा में जुटे हुए हैं। आज मैं अभी हेलीकॉप्टर से आया, मुझे ऐसे ही एक वीर जवान को नमस्ते करने का मौका मिला, उनको प्रणाम करने का मौका मिला। वो कतार में खड़े थे, वो मेरा स्वागत करने आए थे। आपको पता है, जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तो इसी धरती के उस संतान ने 6 गोलियां झेली थी भाई। ऐसी ये धरती है, हमारे सपूत आतंकियों को घर में घुसकर मार रहे हैं। मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, ठीक किया ना? मोदी सही कर रहा है ना? आप खुश है ना? सचमुच में खुश है? दिल से खुश है? मोदी सही कर रहा है ना? और ज्यादा करो। आप मुझे बताइए, आतंकवाद देश से खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज अखबारों में चर्चा में कई लोग नए कपड़े सिला करके बैठे हैं, नए नए कपड़े ला करके बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया फैशन डिजाइनरों से कपड़े बनवाए हैं। जो 8 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जितने चेहरे प्रधानमंत्री के लिए दावा करने वालों के हैं, वो चेहरे आपको याद है? इनके नाम याद है? अच्छा, इसमें एक मेरा नाम भी है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भाजपा मेरा नाम बता रही है, और कर्नाटक में 8 सीटें लड़ने वाले भी बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री होंगे। इतने चेहरे हैं दोस्तों, अब सब कुछ आपके सामने है। आप ईमानदारी से बताइए, सही जवाब देना है, झूठा नहीं देना। सही जवाब देंगे? सही देंगे जवाब? मैं सबको पूछ रहा हूं, जो पीछे वाले हैं सही जवाब देंगे? देखिए, मोदी को खुश करने के लिए जवाब नहीं मत देना, ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए जवाब मत देना। जो बोलेंगे सच बोलेंगे। पक्का? पक्का? आप मुझे बताइए, ये जितने चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की कतार में खड़े हैं, कौन है जो आतंकवाद मिटा सकता है? सही बताइए, कौन कर सकता है? आपको पक्का भरोसा है? भाइयों बहनों, अकेला मोदी नहीं कर सकता है, आतंकवाद का खात्मा आपके एक वोट से होने वाला है। आपके वोट की ताकत मोदी से 130 करोड़ गुना ज्यादा है। मोदी की ताकत से 130 गुना ज्यादा करोड़ 130 करोड़ गुना ज्यादा ताकत आपके वोट की है। आपका वोट और ये चौकीदार, दोनों मिलकर के
आतंकवाद का। भाइयों बहनों, आतंकवाद खत्म कैसे करेंगे इसको लेकर सपा बसपा ने कोई योजना आपके सामने रखी है? रखी है? कांग्रेस वालों ने रखी है? ये उनके चेले चपाटे किसी ने रखी है? ये तो ऐसे डरे हुए हैं कि आतंकवाद बोलेंगे तो उनकी वोट बैंक खिसक जाएगी, इतने डरे हुए हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, अपने वोट बैंक की चिंता है। भाइयों, जो अपने वोट बैंक के लिए मरते हैं वो देश को मरवाते हैं दोस्तों। और इसलिए मोदी दल के लिए नहीं, मोदी देश के लिए पैदा हुआ है। मोदी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, आपके लिए पैदा हुआ है।